दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह कहां से फैला और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने चीन गई वैज्ञानिकों की टीम गहन जाँच के बाद अब वहां से वापसी की तैयारी कर रही है, लेकिन जांच टीम को वुहान के सी फूड मार्केट में कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अहम सुराग हाथ लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जांच मिशन में गए न्यूयॉर्क के जंतु विज्ञानी पीटर डेस्जेक ने कयास लगाते हुए कहा कि 10 फरवरी को उनकी वापसी से पहले जांच में जो कुछ सामने आया है उसे जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में चीन के जिस वुहान सेंट्रल सिटी से दुनिया भर में कथित तौर पर कोरोना फैला था, वहां से बोलते हुए पीटर डेस्जेक ने कहा कि 14 सदस्यीय WHO की टीम ने चीन में एक्सपर्ट के साथ काम किया है और जो कुछ हुआ था उसका सुराग पता लगाने के लिए हॉटस्पॉट्स और रिसर्च सेंटर्स का दौरा किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह चमगादड़ से फैला और देखते ही देखते चीन के वुहान से दुनिया भर में फैला, उसके क्या कारण थे। डेस्जेक ने बताया कि महामारी को पता लगाने में जांच टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। साल 2019 के नवंबर दिसंबर महीने में चीन के वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। जी हाँ, इस वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए कुछ दिनों पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम वुहान पहुंची थी। पीटर डेस्जेक ने एसोसिएटेड प्रेस को शुक्रवार को बताया कि टीम के सदस्यों ने अपनी जांच में शामिल करने के लिए स्थानीय और लोगों की एक लिस्ट दी थी, जिस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जन्मे प्राणी विज्ञानी डेस्जेक ने कहा, हमसे पूछा गया था कि हम कहां जाना चाहते हैं, हमने अपनी एक लिस्ट दी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि डेस्जेक ने यह बताया कि टीम ने स्थलों का दौरा पूरा कर लिया है और अगले कुछ दिन डेटा को खंगालेंगे और साथ ही चीन के विशेषज्ञों से सलाह मशवरा भी करेंगे और बुधवार को अपनी रवानगी से पहले एक समाचार ब्रीफिंग में अपनी पड़ताल का सारांश पेश करेंगे। आपको बता दें कि डेस्जेक ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता हूं कि हमें क्या मिला है, क्योंकि हम उस समय पर हैं जहां टीमें अलग अलग रास्ते विभिन्न मुद्दों को देखते हुए एक साथ आ रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर ऐसा दावा किया गया है कि ये वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से फैला है। डेस्जेक ने इसका खंडन किया है। उनके अलावा दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस बात का खंडन किया है। चमगादड़ों से मनुष्यों में इस वायरस के आने की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। वैज्ञानिकों ने लैब का भी दौरा किया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।